नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब के अंदर हमारा एक फंक्शन है टेक्स्ट मेन्यू। इस टेक्स्ट मेन्यू के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं हम एक एक करके सभी का यूज समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने एक एरो बन के आ जाएगा। इस एरो से हम बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं और ड्रॉ करने के बाद इस बॉक्स में जो भी लिखना चाहें वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आप फॉर्मेटिंग का भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर आकर के डबल क्लिक करेंगे जब आप इस कॉर्नर पर आएंगे। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ड्राइंग टूल का एक ऑप्शन शो होगा। इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के आपके सामने फॉर्मेट्स आपके सामने शो हो जाएंगे। इसमें आप किसी भी फॉर्मेट का यूज करके इसको किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर वर्ड का स्टाइल चेंज करना चाहें तो यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने स्टाइल्स हैं। किसी भी स्टाइल को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसे देख सकते हैं। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर पर हम क्लिक करने से पहले एक डेटा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने शीट 1 पर कुछ डेटा लिया हुआ है। इस डेटा को लेने के बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में चले जाते हैं, यहाँ से हेडर और फुटर को सिलेक्ट करते हैं और अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने हेडर और फुटर यहाँ पर शो अप हो गया, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे पेज नंबर का है। अगर आप अपने हेडर पर पेज नंबर शो करना चाहते हैं तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पेज नंबर शो हो गया। इसी तरीके से अगर आप फुटर पे यानी पेज के बिल्कुल लास्ट में आप फुटर शो कराना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर हमने फुटर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हेडर एंड फुटर पर क्लिक किया, फुटर पर चले गए और यहाँ पर हमने लोकेशन शो करा दी इस फाइल की कि हमारी जो लोकेशन है यानी कि जो हमारी फाइल है वो किस जगह पर सेव हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर उसकी लोकेशन हमारे सामने शो अप हो चुकी है। इसी तरीके से आप पेज नंबर को शो करा सकते हैं, लोकेशंस को शो करा सकते हैं या इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे पेज नंबर्स, यहाँ पर आप चाहें तो पेज नंबर को शो करा सकते हैं। जैसे हमने पेज नंबर पर क्लिक किया तो आप देखिए पेज नंबर आ गया कॉर्नर में। इसी तरीके से अगर आप करंट डेट शो कराना चाहते हैं इसको हटा करके, तो यहाँ से हटा करके इसको करंट डेट ले लीजिए। जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो करंट डेट आपके सामने शो अप हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप करंट टाइम शो कराना चाहते हैं तो देखेंगे आप करंट टाइम आपके सामने शो अप हो गया। इसके अलावा आप फाइल का पाथ शो कराना चाहते हैं तो आप देखेंगे आपके फाइल की लोकेशन यहाँ पर शो हो गई। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे अब यहाँ पर ऑप्शन है आपका फाइल नेम, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो फाइल नेम आपका शो हो गया एग्जाम्पल 1। और इसी तरीके से अगर हम बात करें शीट्स नेम की तो यहाँ पर आप देखेंगे शीट नेम शो हो गया, यानी शीट हमारे पास शीट 1 है वो यहाँ पर शो अप हो गई। इसके बाद अगर आप यहाँ पर पिक्चर को शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पिक्चर्स पर क्लिक करके यहाँ से आप पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं से भी पिक्चर को पिक कर सकते हैं, बिंग ड्राइव से पिक कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर से पिक कर सकते हैं या पर्सनल ड्राइव से आप यहाँ पे इसे ब्राउज कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आप पिक्चर को शो कराना चाहें यहाँ पर आप देखेंगे आपकी पिक्चर भी शो हो जाएगी। और इसी तरीके से आप गो टू फुटर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप सीधे फुटर पर चले जाएंगे। गो टू हेडर पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हेडर पर आ जाएंगे। डिफरेंट टाइप से आप हेडर और फुटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप स्केलिंग का भी यूज कर सकते हैं, अपने ऑप्शंस को स्केलिंग में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो हेडर और फुटर है वो स्केल के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, डिफरेंस हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, डिफरेंस ओल्ड इवेंट हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप से इस ऑप्शन को आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे क्लिक करके डिफरेंट टाइप से आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना जो भी लिखना चाहें, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक और इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इसके बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसके स्टाइल को फिर से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से आप चाहें तो इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं, पैटर्न फिल कर सकते हैं, पिक्चर्स फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स फिल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ऑल टेक्स्ट की तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखना चाहें इसके बारे में वो लिखकर एक रिमाइंडर के तौर पर इसे सेव करके रख सकते हैं। डिफरेंट टाइप से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप अपने इस टेक्स्ट को स्टाइल में कन्वर्ट करके कहीं पर हेडर की तरीके से यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप रख सकते हैं या यहाँ पर रख सकते हैं, कहीं पर आप इसको एक हेडिंग के तौर पर मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सिग्नेचर लाइन का। आप यहाँ पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन शो होंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका सजेशन सिग्नेचर फॉर एग्जांपल जॉन, यानी कि यहाँ पर आप अपने पर्सन का नाम देंगे जिसके नाम का आप सिग्नेचर तैयार करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं जैसे विनोद कुमार के नाम से हम लोग सिग्नेचर तैयार करना चाह रहे हैं और यहाँ पर हम सजेशन दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया मैनेजर। और यहाँ पर अगर आप अपनी ईमेल आईडी फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर रैंडमली कोई भी ईमेल आईडी ले लेते हैं और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका एक्स नाम का सिंबल यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसका यूज मोस्टली आप लेटर हेड पर कर सकते हैं।
तो इसी तरीके से आप सिग्नेचर लाइन का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक एप्लीकेशन के अंदर आप दूसरी एप्लीकेशन किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ चले जाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा बिटमैप इमेज का। बिटमैप इमेज को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने पेंट ओपन हो गया। पेंट के अंदर हम जो भी ड्रॉ करेंगे जिस भी हिसाब से और जो भी कलर फिल करेंगे, और जैसे हम पेंट को कट करते हैं आप देखेंगे हमारा वो वर्क जो था वो एक्सेल के अंदर यहाँ पर शो अप हो जाएगा। अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो फिर से इसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा आपको। डबल क्लिक करते ही आप इसके अंदर फिर से एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे आप इसे कट करेंगे तो आपका जो डेटा था वो आपका एक्सेल में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो यही था हमारा एमएस एक्सेल के अंदर टेक्स्ट मेन्यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।